ये कर लो पहले। So what's up guys, this is Aman and welcome to my YouTube channel। नमस्ते सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसा का है, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मैं बेसिकली उत्तराखंड हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। हरिद्वार आपको तो पता ही होगा, हरिद्वार फेमस सिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ का एक तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पहले व्यू दिखाओ। अभी मैं आपके लिए एक नया चेहरा आऊँगा। बेसिकली अभी मुझे कुछ लोग ही जानते होंगे जहाँ तक मैं अपनी वीडियो पहुँचा सकता हूँ, जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल हो गया, मैं तो वो तो मुझे जान ही लेंगे। तो ये मैं ब्लॉगिंग मैं कुछ टाइम पहले से स्टार्ट करना सोच रहा था, जैसे डेढ़ दो साल पहले मैं सोच रहा था, लेकिन कुछ क्रिटिकल सिचुएशन ऐसी थी, थोड़ा अप डाउन चल रहा था। फाइनली मैंने अब अपना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मेरी हॉबीज़ में से सबसे ज़्यादा एक तो है, मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो अब जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ट्रैवल करते हुए, तो मैं वो सारा आपके साथ शेयर करूँगा। एंड देन यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बाकी हवा चल रही होगी मुझे पता है, थोड़े हवा की आवाज़ आ रही होगी, इतना ही कोई बड़ा इशू नहीं है, उससे ज़्यादा मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो एक बार यहाँ चारों तरफ दिखाओ। हरिद्वार में मैं रहता हूँ, तो वैसे अगर मैं बताऊँ तो हरिद्वार में बहुत ज़्यादा घूमने की जगह है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जगह है, और उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जगह पूरे उत्तराखंड में। तो धीरे धीरे करके मैं आपको हरिद्वार तो दिखाऊंगा साथ में, लेकिन पूरा एंड यहाँ जैसे दिन के तो व्यू आपको मैं आज दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के नाइट के व्यू भी बहुत अच्छे दिखाऊंगा। तो आप बने रहे, अगर आप चैनल पर नए तो आप हैं ही, अगर जो जो देख रहा है पहले सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दे, कमेंट और शेयर बाद में कर देना, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जो आपके राइट हैंड पे आ रहा है इसको दबा दे। तो अब चलेंगे दूसरे प्लेस पे, दूसरे डेस्टिनेशन पे चलेंगे, वहाँ से व्यू आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगा घर, क्योंकि अब लग रही है थोड़ी भूख। सो गाइस अभी मैं घर आ गया था खाना खाने, अब खा के मैं सो गया था, मुझे पता नहीं चला मुझे नींद कब आ गई। और अब हम निकल रहे हैं एक बहुत अच्छा व्यू दिखाने के लिए, हरिद्वार के बहुत अच्छे व्यू दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. भाई जी हरिद्वार का सबसे ज़्यादा बेस्ट व्यू है ये, यहाँ बार बार से लोग आते हैं। एक जल भरने आ रखे हैं ना, क्या कहूँगा, बस पता नहीं क्या इन्होंने अपनी गाड़ी में लगा रखा है, बड़ बड़ जा रहे। वो जो आप मंदिर देख रहे हो, मनसा देवी का मंदिर फेमस मंदिर है यहाँ का, वहाँ जाने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि इतने भीड़ हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, 300 रात के ना। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वो हरिद्वार में सबसे बड़ी मूर्ति है शंकर भगवान की। तो ये व्यू था यहाँ का बहुत प्यारा। Yeah, feel
असल बात बताऊँ तो यहाँ पे कभी इतना भीड़ होता नहीं है जितना आज है, क्योंकि कल शिवरात्रि है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ कितने यहाँ सारे फोटो शूट करवा रहे हैं, अपना अपना ब्लॉग बना रहे हैं सभी लोग। तो गाड़ी ने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा भाई, इसका पुलिस पकड़ो वैसे कोई। तो ये सब भीड़ है यहाँ, मेन किसके लिए है? शंकर भगवान अपने सबसे बड़ी मूर्ति है हरिद्वार की। यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। अब कभी कोई आए यहाँ तो इस जगह बहुत वाइज। यहाँ अफ्रीकन भी आ रखे हैं, मैंने तो अभी देखा है, देखो अफ्रीकन ये जा रहा है पीले कपड़ों में, क्रिस गेल का छोटा भाई। ओ माई गॉड अफ्रीकन। तो भाई स्कूटी तो मैंने खड़ी कर दी, अभी से उठाने लगी मेरी स्कूटी, पता नहीं बहुत ही करते होंगे नहीं मिलेगी, लेकिन भीड़ देखो आप, भीड़ बहुत हो रखी है कल शिवरात्रि इसलिए। आगे बढ़ते रहिए, गंगा मैया की आरती, जन्म जन्म को तारती आरती सेवा में। मेरी हाँ मेरी है कि चोरी है? नहीं मेरी है, तो अभी चलते हैं। सो फाइनली गाइस उस भीड़ से तो मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा वहाँ रश तो बहुत ज़्यादा था आज रश इसलिए था वहाँ पे क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, सब नहाने आए हैं। अभी 12 बजे से सब नहाएंगे, स्नान करेंगे, और शायद गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, मेरी कम आ रही होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे मास्क मैंने हटाया नहीं वहाँ पे क्योंकि और किसी से नहीं, मुझे कोविड से बहुत डर लगता है।
तो फिर मैं वापस वहीं पे आ चुका हूँ जहाँ अभी मैं दिन में आया था, मैं वापस वहीं आया हूँ। सिर्फ मैं आया हूँ यहाँ का नाइट व्यू लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से नाइट से लाइट चल जाती है, बहुत अच्छे व्यू आते हैं। तो आपको ये व्यू दिखाता हूँ मैं। अभी हम वहीं गए थे, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है वहाँ पर। सो फाइनली गाइस, मास्क हटा के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं वहाँ से तो बहुत दूर आ गया, लेकिन आपको दूसरा व्यू दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छा व्यू है। अभी आप पीछे आप देख सकते हो लाइटिंग कितनी अच्छी हो रखी है, मतलब यहाँ अगर आप, मैं कैमरा भी खोल लूँगा ना तो व्यू ही व्यू आएंगे, क्योंकि फेस मेरा ही आएगा। सबसे अच्छा व्यू तो ये हो गया, जस्ट चॉकिंग। तो मैं एक और व्यू दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, घर आ चुका हूँ, शायद 8 बज चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज आपने देखा मेरा इंट्रो, शंकर जी की विशाल मूर्ति, गंगा जी की आरती और बहुत कुछ अच्छे अच्छे व्यू आज दिखाया आपको। बस आज इतना ही, कुछ कल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि अब मुझे परमानेंट तो बनना ही है। बाकी कल आपको और अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं, और ऐसे मैं परमानेंट अब बना रहूँगा इस पर। और अब यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, तो वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे जाना है।